पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि आलू के बीज का चुनाव एवं उपचार कैसे किया जाता है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू की खेती में खेत की तैयारी कैसे की जाती है और आलू को खेत में लगाते कैसे हैं। आलू की खेती में खेत की तैयारी से हमारा मतलब खेत की सफाई, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना, मिट्टी का उपचार करना, खेत को समतल करने जैसे सभी कामों से है। चूंकि आलू के कंद मिट्टी के अंदर होते हैं, इसलिए मिट्टी का पूरी तरह से भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। आलू की परंपरागत खेती में बस थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है। आलू की खेत की जुताई हमें कम से कम 4 बार करनी चाहिए। अच्छा होगा कि हर जुताई के बीच में 2 से 3 दिन का अंतर हो। जुताई के दौरान खेत में से लकड़ी, पत्थर, पिछली फसल की बचे हुए जड़, घास, खरपतवार इत्यादि को निकालकर खेत को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। अगर खेत समतल नहीं हो तो उसे समतल कर लेना चाहिए। जुताई के बाद खेत में पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरा कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं हो तो जुताई से पहले पलेवा करके उसकी जुताई करनी चाहिए। अंतिम जुताई से पहले 20 डेसिमल खेत के लिए लगभग 20 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद या नाडेप कंपोस्ट डालना चाहिए, क्योंकि आलू के उपज पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अंतिम जुताई के बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर देना चाहिए। आलू की खेती में मेड़ बनाने का चलन शुरू से ही है। तैयार खेत में कुदाली की मदद से 1.5 फीट की दूरी पर नालियां क्यारी के आकार के अनुसार बना लें। नालियों की लंबाई भी 8 या 10 फीट से ज्यादा न रखें, नहीं तो इसकी सिंचाई करने में दिक्कत होगी। मेड़ पर बनी हुई गहरी नालियों को एक लेवल में रखना चाहिए, जिससे सिंचाई का पानी पूरे खेत में एक समान पहुंचे। 20 डेसिमल के खेत में बीज लगाने से पहले 1 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद में 3 किलो पोटास और 3 किलो जिंक मिलाकर नालियों पर जहां बीज लगाना है डालें। इसके बाद उसे 2 दिनों के लिए छोड़ दें। तुरंत बीज लगाने से पौधा खराब होने का डर होता है। जिंक और पोटास के प्रयोग से न केवल आलू के पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ता है, बल्कि इससे इसका उत्पादन भी बढ़ता है। 2 दिन के बाद आपका खेत पूरी तरह से आलू के रोपाई के लिए तैयार है। अब आप 15 दिन पहले बनाई गई ट्राइकोडर्मा मिली हुई सड़ी हुई गोबर की खाद को हर एक नाली में डालें। अब आप अपने उपचारित एवं अंकुरित बीजों को 8-8 इंच की दूरी पर इन नालियों में लगाएं। बीज को लगाने के बाद उस पर मिट्टी को सावधानी पूर्वक ऐसे रखें जिससे कि ज्यादातर अंकुर ऊपर या फिर बगल में रहें। मेड़ की ऊंचाई कम से कम 6 इंच जरूर होनी चाहिए। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यारी हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर ही बनाएं, क्योंकि इससे हवा से फैलने वाली बीमारियों से पौधों का बचाव होता है। इस प्रकार आप भी अपने खेत की विधि पूर्वक तैयारी कर एवं उसमें बीज लगाकर अपने आलू के फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आलू की खेती में सिंचाई प्रबंधन कैसे करते हैं।